दोस्तों, अगर आप उन लोगों में से हो जिन्हें सड़कों के किनारे लगे हुए स्टॉल या फिर रेस्टोरेंट्स में खाना बेहद पसंद आता है तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि फुटपाथ पे मिलने वाले खाने या फिर रेस्टोरेंट में मिलने वाले खाने किस तरह से बेहद गंदगी के साथ बनाए जाते हैं। दोस्तों, हम जब भी किसी जगह पे खाना खाते हैं तो हमें खाना एक प्लेट में दिया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ लोग इस प्लेट को इतनी गंदगी से धुलते हैं कि अगर आप धुलता हुआ देख लें तो शायद खाना ही ना खाएं। अगर आपको यकीन ना हो तो आप इस वीडियो को देख लीजिए। देखिए कैसे ठेले पे खाना बेचने वाला ये लड़का खाए हुए प्लेट को गटर के पानी से धुल रहा है। जी हाँ दोस्तों, गटर का पानी दरअसल इतना गंदा होता है कि इससे ज्यादा गंदा कोई भी पानी नहीं होता। अब जरा सोचिए कि अगर आप इस प्लेट में खाना खाते हैं तो आपकी तबीयत कितनी ज्यादा खराब हो सकती है। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग जब किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो ये देखते हैं कि वहाँ पे रखे टेबल, कुर्सी या फिर इंटीरियर कितना अच्छा है। इन्हीं बातों से हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि रेस्टोरेंट किस लेवल का है। लेकिन दोस्तों, इन अच्छे रेस्टोरेंट्स के किचन में क्या होता है आप अपनी आंखों से ही देख लीजिए। देखिए कैसे यहाँ खाने की चीजों पे चूहे कूद रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि ये चूहे वहाँ पे रखे चीजों को खा भी रहे हैं। लेकिन यहाँ पे काम कर रहे लोगों को या फिर इन रेस्टोरेंट्स के मालिक को इस बात का बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता और वो फिर इन्हीं चीजों को पैक करके कस्टमर्स को दे देते हैं। दोस्तों, इन रेस्टोरेंट्स में चूहे के साथ साथ कई बार तो कुत्ते भी आ जाते हैं, फिर वहाँ रखे खाने और प्लेट को जूठा कर देते हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि जब ये कुत्ता वहाँ पे रखे चीजों को खा रहा था तो ये व्यक्ति वहाँ पे बैठा हुआ था, लेकिन इस शख्स ने बिल्कुल भी ये कोशिश नहीं करी कि उस कुत्ते को भगा दिया जाए, क्योंकि यकीन माने दोस्तों, इन लोगों को इन चीजों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, इस वीडियो में देखिए कैसे ये लोग गुड़ बना रहे हैं। दोस्तों, ये लोग गुड़ बनाने के लिए जिस बर्तन का इस्तेमाल कर रहे हैं उसी बर्तन पे खड़े हैं। इतना ही नहीं, इन सभी ने चप्पल भी पहन रखा है। अब जरा सोचिए दोस्तों, आप जिस भी थाली में खाना खाते हैं क्या उसके ऊपर चप्पल पहन के खड़े हो सकते हैं? लेकिन दोस्तों, ये लोग ऐसा कर रहे हैं क्योंकि इन्हें आपकी सेहत से कुछ भी लेना देना नहीं है। दोस्तों, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि फुटपाथ पे मिलने वाले खाने ही सिर्फ गंदगी से बनाए जाते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, ये बात है हैदराबाद के सबवे आउटलेट की, जहां इस शख्स के कॉफी में कॉकरोच मिला। लेकिन जब इस बात की शिकायत करने के लिए ये शख्स आउटलेट के अंदर चला गया तो वहां मौजूद लोगों ने उसके साथ बेहद बदतमीजी से बात की। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये लेडी इस शख्स को किस तरह से डांटती है। मतलब पहले गलती करो और फिर कस्टमर को ही बुरी तरीके से डांट दो। फर्स्ट क्लोज योर आउटलेट। डोंट टच मी, यू गॉट व्हाट यू हैव, यू वांट टू टच एन एवरीथिंग बट दैट्स नथिंग। व्हाई शुड आई गो? फर्स्ट कम आउट, ब्रेक, क्लोज दिस वन। दोस्तों, सब्जी खाने की सबसे अहम चीज होती है, लेकिन कुछ लोग इन सब्जियों को किस तरह से धुलते हैं आप इस वीडियो में देख लीजिए। देखिए कैसे ये शख्स गटर के पानी से सब्जियों को धुल रहा है। लेकिन दोस्तों, ऐसा करने वाला सिर्फ एक ही सब्जी वाला नहीं है, बल्कि बहुत सारे सब्जी वाले ऐसा करते हुए कैमरे में रिकॉर्ड हो चुके हैं। यहाँ देखिए, ये भाई साहब तो सड़क पे मौजूद सीवर लाइन के पानी से ही सब्जी धुलने लगे। दोस्तों, कुछ लोग तो इस काम को चोरी चुपके करते हैं, लेकिन ये शख्स सरेआम सड़कों पे ये काम हुआ दिख रहा है। ये शख्स इस बात से बिल्कुल बेपरवाह है कि वहाँ से गुजरने वाले लोग उसे देख लेंगे। दोस्तों, यहाँ देखिए कैसे ये व्यक्ति नाव पे रखे दूध के डब्बों में नदी का पानी मिलाता है। दोस्तों, इसी दूध को हमारे घर के छोटे छोटे बच्चे भी पीते हैं। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी सेहत के साथ साथ छोटे बच्चों की सेहत पे इसका कितना बुरा असर पड़ेगा। दोस्तों, सच में आज के लोग पैसे के पीछे इतने पागल हो चुके हैं कि उन्हें किसी की भी सेहत की कोई परवाह नहीं है। दोस्तों, यहाँ देखिए कैसे ये शख्स सब्जियों के ऊपर स्प्रे कर रहा है। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये स्प्रे सेहत के लिए बेहद खतरनाक होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल कुछ लोग सब्जियों और फल के ऊपर आर्टिफिशियल रंग लगाने के लिए करते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, कैसे इन सब्जियों को अच्छा रंग और मीठा बनाने के लिए किस तरह से इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जा रहा है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।